नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके और अपने YouTube चैनल टुडे जानकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारतीय डाक विभाग में निकली हुई बम्पर वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, इसमें केवल 10वीं पास इन्होंने मांगी है और दोस्तों आप पोस्ट यहां पर देख सकते हो 4442 टोटल वैकेंसी यहाँ पर दे रखी है और आपकी पोस्ट रहेगी दोस्तों GDS यानी ग्रामीण डाक सेवकों की। तो दोस्तों, क्या है पूरी भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में दिए गए घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जैसे ही नई वीडियो डालूं उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसी होती है उन सबकी जानकारी यहां पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये 10 मार्च 2019 को ये रिलीज किया गया था। आप डेट यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों, इसमें तीन प्रकार की इन्होंने पोस्ट दे रखी है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें दे रखी है ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है जो है BPM और सेकेंड पोस्ट इन्होंने दे रखी है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो ABPM और जो थर्ड पोस्ट है दोस्तों वो दे रखी है डाक सेवक की। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें आपको वेतन कितना मिलेगा वो आपको एक बार बता देते हैं। दोस्तों, जो BPM है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसके लिए आपको 12,000 रुपये से लेकर 29,380 आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। और जो सेकंड और थर्ड पोस्ट है ABPM और डाक सेव, इसके लिए इन दोनों के लिए आपको 10,000 रुपये से लेकर 24,470 रुपये तक आपको यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले एज के बारे में बात करें तो दोस्तों एज इन्होंने दे रखी 18 से 40 वर्ष, वो कहाँ तक होनी चाहिए दोस्तों 15 मार्च 2019 तक इन्होंने यहाँ पर लास्ट डेट डाल रखी है। यहाँ तक आपकी एज 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो। और दोस्तों, एज के अंदर SC ST और OBC को यहाँ अलग अलग छूट दे रखी है, आप देख सकते हो दोस्तों साफ साफ यहां पर। अब दोस्तों, इसमें अपन बात करते हैं कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी। तो दोस्तों, देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो आप दोस्तों, अगर आपने 10वीं तक पास कर ली है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों, यह भर्ती है जो सभी राज्यों के लिए इसमें एलिजिबल है कैंडिडेट, आप देख सकते हो। और जिस भी राज्य से आप फॉर्म अप्लाई करते हो उस राज्य की भाषा आपको यहाँ पर आनी चाहिए, आप देख सकते हो दोस्तों। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, लगभग सभी राज्यों के विद्यार्थी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो दोस्तों। ये सभी राज्यों की यहाँ पर लिस्ट दे रखी है और वहाँ पर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। और इसके साथ में दोस्तों, आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, इसका मतलब है कि आपको कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप डाक सेवक पोस्ट से अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, यानी आपको साइकिल चलाना आना चाहिए और उसके साथ में आपको स्कूटर या मोटरसाइकिल भी चलाना आना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दे रखा है केवल GDS के लिए यानी ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट के लिए दोस्तों। अब दोस्तों, इस पर अपन बात करते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द ऑटोमेटिक जनरेटेड मेरिट लिस्ट पर द रूल्स बेस्ड ऑन द कैंडिडेट ऑनलाइन सबमिट एप्लीकेशन। दोस्तों, जितने भी यहाँ पर आवेदन आएंगे उसमें से आपकी है जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाएगी, उसके आधार पर ही विद्यार्थियों का यहाँ पर चयन किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, इसके साथ इन्होंने एक बात यहाँ पर और बोली, आप देख सकते हो सेकेंड नंबर पॉइंट पर, नो वेटेज विल बी गिविन फॉर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओनली मार्क्स ऑप्शन 10th स्टैंडर्ड। तो दोस्तों, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि आपने अगर BA या MA या आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर कर रखी है तो उसका यहाँ पर कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, या इसके अलावा आपने कोई इंजीनियरिंग वगैरह कोई भी डिग्री ले रखी है दोस्तों एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन की, तो आपको उसका यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके जो 10th में मार्क्स है, परसेंटेज है, उसके आधार पर ही आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बता रखा है। अब दोस्तों, आपको आवेदन कैसे करना है तो आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई, आप इनकी वेबसाइट पे जाके यहाँ से आवेदन कर सकते हो। इसके आवेदन दोस्तों 15 मार्च 2019 से स्टार्ट हो गए हैं और 15 अप्रैल 2019 तक ये आवेदन रहेंगे दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर इनके बीच में आप आवेदन कर सकते हो। और दोस्तों, आवेदन करते समय आपको वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ रखना है, आपको वहाँ पर दोस्तों 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, जिसमें आपके फादर का नेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए और दोस्तों आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। और उसके साथ में दोस्तों, जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर होने चाहिए कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें अपन फीस की बात करें कि आपकी फीस है जो कितनी लगेगी, आप देख सकते हो यहाँ पर ओबीसी
और OCEWS इन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस मात्र दे रखी है और ये आप इस वेबसाइट से जमा कर सकते हो दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप इसकी अगर कोई और भी जानकारी चाहते हो तो इन्होंने यहाँ पर मेल आईडी दे रखी है, आप इस पर संपर्क कर सकते हो। और नीचे दोस्तों हेल्पलाइन नंबर भी दे रखी है, इस पर आप कॉल करके इस वैकेंसी के बारे में संपूर्ण पूरी जानकारी यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें 4,442 पोस्टें हैं, तो आप वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। टोटल पोस्ट 4,442 इन्होंने यहाँ पर दे रखी है और सभी कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी है। आप देख सकते हो EWS, OBC और SC ST जनरल, इन सभी कैटेगरियों में यहाँ पर वैकेंसीज दे रखी है। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और पास में दिए गए घंटी के बटन को दबा ले ताकि जैसे ही नई वीडियो डालूँ उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।